आज मैं मेरे गांव पे नहीं हूँ, आज मैं कलकत्ते में भी नहीं हूँ, आज मैं हूँ सिंगापुर में। थोड़ा बात बोलना चाहता हूँ कि ये हैंडलूम का जो मैं जो भी करता हूँ हैंडलूम को लेके, जो भी हूँ मैं हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो करने से पहले मैं एक सिनेमाटोग्राफर था, मोशन पिक्चर फोटोग्राफर, कैमरामैन जिसको बोला जाता है। थोड़ा बहुत एड्स किया, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट फिल्म्स किया, थोड़ा बहुत सिनेमा में भी काम कर लिया असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर के बदौलत। तो आज भी जब जब ज़रूरत होता है तो मैं एज सिनेमाटोग्राफर थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं सिंगापुर आया हूँ और ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस यहाँ से मिला हुआ पैसा मैं मेरे नया जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, उसमें लगा सकूँ। क्योंकि नया कुछ करने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। तो कम टू द पॉइंट, मेरे जामदानी वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने हालांकि कोई कमेंट नहीं किया, बहुत दुख की बात है, बहुत दर्द की बात है मेरे लिए, कोई कमेंट नहीं किया वीडियो के नीचे, लेकिन बहुतों ने मेरे से पर्सनली पूछा ये ताना बाना क्या होता है। तो आज मैं ऑन द गो हूँ, अभी शूटिंग है मेरा सामने, तो ऑन द गो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है। इससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि ताना बाना होता क्या है, और इसके बाद वाले एपिसोड में, अगले एपिसोड में या दो हफ्ते बाद मैं लूम का, ओरिजिनली हैंडलूम होता क्या है, वहाँ पे ताना कैसे फिक्स किया जाता है, बाना कैसे फिक्स किया जाता है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन वाला एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हैंडलूम ऑफ इंडिया और मैं हूँ आपका दोस्त देबल। आज हम ताना और बाना को एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कोई ज्यादा जार्गन नहीं ड्रॉप करेंगे, कुछ भी नहीं ड्रॉप करेंगे। अब जो भी साड़ी पहनते हैं आपने शायद एक काम तो किया ही होगा, पीको। तो पीको में हम करते क्या हैं? मान लीजिए यह है लंबा वाला धागा, यह है ताना, इसके अल्टरनेट ऐसा ऐसा करके बाना जाता है, ठीक है। वो लंबा वाला धागा जो साड़ी के एंड में निकल के रहता है वो होता है ताना या वेफ्ट। और जो भी हम पीको करते हैं, पीको क्यों करते हैं? ताकि वो बाना वाला धागा ऐसे फिसल के निकल ना आए। अगर फिसल के निकल आया तो आपका कपड़ा खराब हो सकता है, उसीलिए हम मुड़ के सिल देते हैं, उसको पीको कहा जाता है। वो जो धागा निकलने से हम रोकते हैं उसको बोला जाता है बाना, ताकि वेफ्ट अंग्रेजी में, ठीक है। तो हमने तो सुना ही होगा जिंदगी का ताना बाना, ये तो कहावत है। ताना और बाना क्यों बोला जाता है जिंदगी का ताना बाना? क्योंकि ताना इस तरफ जाता है, बाना इस तरफ जाता है, ये ताना और बाने के चक्कर में ही कपड़ा बनता है। तो ये खराब कुछ चीज नहीं है, बहुत अच्छा चीज है। तो उम्मीद है मैं ये शॉर्ट वीडियो में आपको इतना समझा सका कि ताना बाना क्या होता है। माफ कीजिए मेरे को, शोर शराबा है, रास्ते से गाड़ी चल रहा है, इसके बीच में ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑन द गो करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो ये ऑडियो प्रॉब्लम के लिए माफ कर देना, और देखते रहिए हैंडलूम ऑफ इंडिया, पहनते रहिए हैंडलूम ऑफ इंडिया। अलविदा।